नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके साथ एक ट्रिकोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे ट्रिकोमेट्री की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर पर बहुत कुछ देख सकते हो, ठीक है ना। उससे हटकर जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ए जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा है, साइन फोर थीटा ध्यान रखना। तो आपको प्रूव करना है कि ए की जो वैल्यू है वो 3/4 से इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, और लेस देन इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। 0.75 से ग्रेटर होगी और 1 से क्या होगी, लेस होगी। ये बात आपको प्रूव करनी है। आप जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? भाई थीटा कुछ भी लिया जाए, कोई भी एंगल लिया जाए, तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। उसी तरह से साइन थीटा में थीटा कुछ भी लिया जाए, चाहे थीटा 0 डिग्री लिया जाए, चाहे थीटा 1000 डिग्री लिया जाए, उसकी साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा -1 से लेकर 1 तक निकल के आती है। कहने का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा की दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक आती है, ठीक है ना। उसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे आप। आपको प्रूव करना है कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो इतनी आएगी। हम जानते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि बी है साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यदि मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब है वो 0 से ग्रेटर आएगी और 1 से क्या आएगी, लेस आएगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस में तो आ नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग चुका है, इसको लग चुका है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएंगी वो जीरो से लेकर कहां तक आएंगी, 1 के बीच में आएंगी। अब आप ये कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अब आप इसमें साइन स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो इधर हो जाएगा साइन 4 थीटा इज लेस देन साइन स्क्वायर थीटा। आप ये कह सकते हो, ठीक है, साइन 4 थीटा लेस देन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ऐड करे जाएं, तो ये कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या था आपके पास, ये था, और ये वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। बात प्रूव हो गई नहीं हुई, दोबारा सेट कर लेते हैं। आप जानते हो कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 1 के बीच में होगा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 से लेस होगा। दोनों तरफ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर साइन 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 1 को साइन स्क्वायर तीसरा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब आपके पास साइन 4 थीटा लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ऐड कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर दो इधर, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर दोगे तो आपके पास ये बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर, 1 से लेस होगी। इसका मतलब है ए जो है 1 से लेस होगा। आपने एक बात प्रूव कर दी कि ए जो है या तो 1 होगा या 1 से लेस होगा, क्लियर। अगेन इस बात को कैसे लिख सकते हैं, आपके पास देखिए ये है ए, ए क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या, लिख लो कोई बात नहीं, प्लस ये साइन 4 थीटा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप शायद इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ क्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो कोफिशियंट है उसका हाफ करना होगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1 का हाफ 1/2 हो जाएगा। हाफ का स्क्वायर करना होगा तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब है
कि साइन फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई फोर एड कर दूं, वन बाई फोर सेपरेट कर दूं और प्लस का ए बन तो है ही, है ना? ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज क्या बनेगी? परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। वो किसका स्क्वायर बनेगी? ये बनेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर। ये कितना हो जाएगा? थ्री अपॉन फोर। आपके पास ये नंबर स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव प्लस थ्री अपॉन फोर, इतना तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पूरी जो वैल्यू है, तो आपके पास ए क्या हो गया? ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन पॉइंट टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर। भाई आपने इसको क्या लिखा? इसको इतना लिख लिया, ठीक है, तो आपके पास ए जो है ये हो गया। अब आपके पास ये पूरा स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो ए होगा वो या तो थ्री बाई फोर होगा या थ्री बाई फोर से ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये दिस नंबर इज द थ्री बाई फोर और ग्रेटर देन थ्री बाई फोर, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए जो है वो वन से लेस होगा और लेकिन ए जो है वो थ्री बाई फोर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो जो कुछ भी आएगा वो या तो थ्री बाई, जब ये जीरो आएगा तो आंसर थ्री बाई फोर होगा, या इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आएंगी। जब जीरो से बड़ी वैल्यू आएंगे तो थ्री बाई फोर से बड़ी आएंगे आंसर, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ए जो है क्या रहेगा? थ्री बाई फोर से ग्रेटर रहेगा और वन से क्या रहेगा? लेस रहेगा। हैंस प्रूव। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को मेरे कहने से आप सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर या अपने फेसबुक आईडी पर जरूर शेयर करें। इतना तो आप जरूर करते हो ना, जरूर करिए। अपना ख्याल रखिए इस समय, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।